किस तरह से जिस तरह पूरे देश में इतनी गर्मी पड़ रही है, यहाँ पे भी जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बॉर्डर पे किस तरह से आप डटे हुए हैं यहाँ पूरा देश की रक्षा के लिए, क्या कहेंगे? पहले तो मैं कहूंगी सब भारतवासियों को मेरी तरफ से जय हिंद। यहाँ चाहे गर्मी हो या धूप हो या छांव हो, आंधी हो या तूफान हो या फिर पड़ती कड़ाके की ठंड हो, हमें यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें बेसिक ट्रेनिंग में सिखाया गया है, हर तरीके के हर मौसम से हर चुनौती से लड़ना सिखाया गया है, हमें हर तरीके के सिखलाई दी गई है, ताकि हम हर तरीके से चुनौतियों से सामना कर सके। सबसे पहले हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी है, हमारा परम कर्तव्य हमारे देश की सुरक्षा करना है। चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, हम हमेशा अपनी ड्यूटी पे तैनात हैं। चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, हमें हर परिस्थितियों से लड़ना सिखाया गया है। तो किस तरह के यहाँ क्या अरेंजमेंट्स भी है, जैसे सांप वगैरह गर्मियों में काफी रहते हैं, कि उसकी भी ट्रेनिंग है, उसके लिए भी आपको कोई दिए गए हैं? सर, जब यहाँ पे मौसम खराब होता है तो हमें उससे भी लड़ना सिखाया गया है, जैसे कि एसिड्स, जैसे स्नेक्स आते हैं, स्नेक्स बाइट्स के वो एसिड दिए गए हैं, हम उसका छिड़काव करते हैं। तो सर्दियों में जैसे हमें प्रोवाइड करवाई जाती है, जैसे हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे हमें फैसिलिटी दी गई है, रूम हीटर वगैरह, और हर चीज के लिए मतलब बचाव के लिए बता रखा है। गर्मियों में हमें जैसे हम बीओपीज वगैरह पे ड्यूटी करते हैं, तो वहाँ पे हमें नींबू पानी और शरबत सब हमें हर तरीके का प्रोवाइड करवाया गया है। गर्मियों में कूलर की फैसिलिटी दे रखी है, हमें सब कुछ दे रखा है, कि ताकि हमें ड्यूटी में कोई भी तकलीफ ना हो। तो क्या कहेंगे देशवासियों, पूरी तरह से आप डटे हुए हैं यहाँ? मैं यही कहना चाहूंगी कि बीएसएफ की जितनी भी महिलाएं हैं, हम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हैं, चाहे जैसा भी मौसम हो, जो भी हो, कैसा भी, हर परिस्थितियों में हम मैम किस तरह से, जबकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है पूरे देश में, इधर भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर चल रहा है, लेकिन जो देश में जो महिलाएं हैं हमारी बीएसएफ की, वो डटी हुई है, आज भी बॉर्डर पे आप यहाँ देश की रक्षा के लिए तैनात है। हाँ जी सर, जैसे कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, फिर भी हम अपने देश की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर खड़े हुए हैं। हमें इसमें बेसिक ट्रेनिंग दी गई है, ताकि हम अपनी सीमा की सुरक्षा अच्छे से बढ़िया कर सके। तो और क्या क्या, जैसे गर्मी है तो इसमें क्या क्या फैसिलिटीज रहती है? हमें जैसे कि गर्मी है तो हमें नींबू पानी दोपहर में अच्छा प्रोवाइड किया जाता है, और बैरक वगैरह में कूलर, ताकि अच्छे हम सीमाओं पर अच्छी ड्यूटी कर सके। तो क्या कहेंगे कि जो महिलाएं हैं पूरा डटी हुई हैं और देश? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत डटी हुई हैं, हमें बहुत गर्व है कि हम देश की सुरक्षा कर रहे हैं।